है आरसीआई के ऑनलाइन क्लास में। बेटा हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात कर रहे थे और हमने ज्ञात कर लिया था V बराबर KQ R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2। समीकरण 4 आ गई थी। हम हमारा टारगेट क्या है, R1 और R2 ज्ञात करना है। तो पहले देखते ध्यान से, पहले ये पदांतर ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां से त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज OCB, समकोण त्रिभुज OCB। OCB में देखो ये आपके पास ज्ञात है, 90 के सामने जो भुजा होगी वो करण भुजा, तो ये तो करण हो गई। थीटा के सामने लंब भुजा और बच गई जो आधार भुजा, ठीक है। तो भाई देखो यहां से ध्यान से, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ये भुजा, तो आधार ज्ञात करना है हमें, तो आधार ज्ञात करना है और आधार है OC, ठीक है, OC आधार। और करण आपके पास गिवन है, दिया हुआ है OB, OC बटे OB यानी कि आधार बटे करण। आधार बटे करण किसका सूत्र बन गया, कॉस का, कॉस थीटा। तो OC इज इक्वल टू OC, OB का मान, OB का मान आपके पास गिवन है L है, इज इक्वल टू कॉस थीटा। OC इज इक्वल टू आ जाएगा L कॉस थीटा। इसका मतलब ये जो OC पथांतर है वो कितना है, L कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा याद कर लेते हैं, दूसरा आपके पास समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ODA। इसमें देखिए थीटा के सामने ये लंब भुजा, ये करण भुजा और बच गई जो आधार भुजा, हमें यही याद करनी है आधार। तो वही आधार है OD और ये गिवन है करण, करण है आपके पास OA इज इक्वल टू वही आधार बटे करण कॉस थीटा बढ़ेगा। OA का मान L है तो OD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L कॉस थीटा, ठीक है। इसका मतलब मैं इनको हटा देता हूं, ये समझाने के लिए था आधार करण जो मैंने लिखा है सीन पर। तो OC भी आ गया L cos थीटा और OD भी आ गया L cos थीटा। अब इनमें रिलेशन देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले रिलेशन देखो, R1 में संबंध देखो, ध्यान से समझना, ये R है आप, ठीक है। और यहां तक ये जो दूरी है ये इसके बराबर, अगर R में अगर अपन ये जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगी R1। इसका मतलब R1 में R एक तो यहां से यहां तक R और एक ये जुड़ जाए और ये है आपके पास OD और OD का मान दे रखा है cos थीटा, ठीक है। R तो आ गया, R1 तो आ गया R प्लस L cos थीटा। R2 देखो यहां से लेकर यहां तक की दूरी इसके बराबर है, पथांतर भी ज्ञात किया। तो R में से यहां से लेकर ये R है, R में से अगर ये घटा दे ये दूरी आ जाएगी। इसका मतलब जो R2 है वो R में से अगर L cos थीटा घटा दे तो आपके पास R2 आ जाएगा। अरे नहीं, क्या रहे, ध्यान से दोबारा से देखो, अगर R में L cos थीटा जोड़ दे तो इस R1 के बराबर हो जाएगा कि नहीं, और अगर इस R में L को ये R इतने तक इसमें L cos थीटा घटा दे तो R2 आ जाएगा कि नहीं, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। अब ये R1 और R2 के मान यहां रख देते हैं, इनको दे देते हैं समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 से मान रख देते हैं, तो देखो समीकरण 5 से मान 4 में रखने का, समीकरण 5 से मान समीकरण 4 में रखने पर रखो भाई, तो V बराबर आ जाएगा KQ R1 की जगह क्या है, R प्लस L cos थीटा माइनस R2 क्या है, R माइनस L cos थीटा अपॉन R1 R2, तो R प्लस L cos थीटा और R माइनस L cos, ठीक है। हाँ जी, देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो V बराबर KQ, तो R प्लस L cos थीटा, ये माइनस अंदर गया तो माइनस का R और माइनस और माइनस प्लस L cos थीटा। और नीचे बताओ ये फॉर्मूला लग गया, A प्लस B और A माइनस B के होल स्क्वायर, इसको सोल्व करते तो क्या आता है, इसका माइनस B स्क्वायर। तो देखो ये A प्लस B और ये A माइनस B, इसको क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ R से आपका हो गया बेटा कैंसिल, L cos थीटा
टू एल कॉस थीटा, वी इज इक्वल टू आ रहा है के क्यू टू एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अच्छा जी, क्यू इंटू टू एल भाई लीद्रो आगुण P बराबर होता है Q इंटू टू ए टू एल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं और इधर कर देते हैं इसकी कैलकुलेशन, तो इसको थोड़ा जमा के लिख देते हैं, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा K Q इंटू टू एल, क्यू और टू एल को एक साथ लिख दिया और cos थीटा और अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और वी नो दैट Q इंटू टू एल पी, तो V इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और चाहो तो लिख लेना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है Q इंटू टू ए टू एल, अगर टू एल दूरी ली है तो Q इंटू टू एल और A ली है तो Q इंटू एल। हाँ जी, याद रखिए L जो है वो लेस देन है किससे, R से। L बहुत ही छोटा है क्योंकि द्विध्रुव जो है अति अल्प दूरी पर है, तो ऑब्वियस बहुत ही अल्प दूरी आएंगे, स्टोन में होती है दूरी बहुत छोटी, तो उससे भी एल टू एल दूरी है वो ही बहुत छोटी है, तो एल तो और भी छोटी होगी किसके रेस्पेक्ट में, आर के। तो इसका मतलब जो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और छोटी दूरी का स्क्वायर करते तो और छोटी हो जाएगी, तो ये एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या मान लेते हैं, नगण्य, नगण्य मान लेते, आपके पास भी बराबर आ जाएगा kp cos theta upon r square। अरे बोलो नहीं क्या, l square cos square theta क्या हो गया, हट गया, तो ये आ गया आपके पास b का मान, b बराबर kp cos theta upon r square। देखो कोई कहीं पे कैलकुलेशन में तो सही किए ना, ठीक। हाँ जी, अब अगर थीटा की वैल्यू केस ले ले, केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा जीरो, ये कोण था थीटा द्विध्रुव के साथ, तो ये जीरो हो गया, तो अक्ष पे आ गया द्विध्रुव के अक्ष पे आ गया, कॉस जीरो का मान, कॉस जीरो का मान होता है, अरे बोलो नहीं क्या, हाँ जी, कॉस जीरो का मान एक, तो यहां पे आ जाएगा बी बराबर के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू 90 के अक्ष पे आ गए द्विध्रुव के अक्ष पर, और निरक्ष के लिए थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे 90, थीटा 90 कॉस 90 हो जाएगा जीरो, और जब जीरो रखेंगे तो वी कितना आ जाएगा जीरो, तो निरक्ष जो है उस पर आप विभव कितना रहेगा, द्विध्रुव के निरक्ष पर जीरो विभव और द्विध्रुव के अक्ष पर के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। देखो मैंने कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ की हो तो आप देख लेना एक बार, जहां तक है मैंने ठीक किया इसको, ठीक है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर ठीक है, यहां तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, जो वीडियो चल रहे हैं उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ओके, थैंक यू।